Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our English grammar class. In this class, we will study the chapter 6, verbs, tenses and forms or action verbs. ठीक है, तो इसमें हम इस चैप्टर में हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और वर्ब्स में टेंस क्या होते हैं, टेंस के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं और वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी क्या कहा जाता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये सब बताएंगे. ओके, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शो एक्शन. वर्ब वो वर्ड है जो एक्शन बताता है, मतलब कोई भी काम हो रहा है तो जिस वर्ड से हम डिनोट करेंगे वो क्या होगा, वो वर्ब होगा. तो द वर्ड टेंस मीन्स अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर टाइम. तो टेंस से क्या पता चलता है, टेंस से हमें जो भी काम हो रहा है वो वर्ब का फॉर्म बता रहे हैं कि ना जो पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी काम हो रहा है. जैसे कि ये काम अभी अभी मैं जस्ट आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब प्रेजेंट में बता. तो ये जो वर्ब किसी पर्टिकुलर टाइम को डिनोट करते हैं जो वर्ड्स, उनको क्या बोलते हैं, वो टेंस होता है. ठीक है, इसके सेंटेंसेस देखते हैं. द रिच मैन हेल्प्स द पुअर मैन. द रिच मैन जो है वो पुअर मैन की हेल्प कर रहे हैं. द ही गोज टू द स्कूल. ही वो स्कूल जा रहा है. ही इज शी इज स्टडिंग. वो पढ़ रही है. तो हियर इन द सेंटेंसेस द वर्ड्स हेल्प्स गोज एंड स्टडिंग आर डूइंग वर्ड्स. ये क्या है, डूइंग वर्ड्स है, मतलब ये कुछ काम कर रहे हैं. वो हेल्प कर रहा है तो वो जा रहा है तो वो पढ़ रही है. ओके, तो इन्हीं क्या बोलते हैं, इन्हें वर्ब बोलते हैं. Verb are doing or and being birds. The verb is most important part of a sentence because you cannot form a sentence without it. Verb क्या होते हैं, verb doing words होते हैं, मतलब जो भी काम हो रहा है, जो word बता रहे हैं कि ये काम हो रहा है उन्हें verb कहते हैं. और verb के बिना कोई भी sentence form करना possible नहीं है, मतलब बिना verb के हम कोई भी sentence form नहीं कर सकते. ठीक है, तो देखो एन एक्शन मे टेक प्लेस इन द प्रेजेंट. कोई भी काम या तो प्रेजेंट में हो रहा होता है. ठीक है, मतलब कोई भी काम है या तो आप अभी कर रहे हो, या आप पहले कर चुके हो, या आप आगे करोगे. तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, तो कोई भी काम जैसे प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे द लव टू शी लव टू ईट केक्स. ही राइट्स अ लेटर. वो केक खा रही है. ठीक है, वो लेटर लिख रही है तो वो अभी प्रेजेंट में कर रही है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट में काम हो रहा है. तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम डिनोट हो गया कि ये काम कब हो रहा है, ये प्रेजेंट में हो रहा है. नाउ एन एक्शन में टेकन प्लेस इन द पास्ट. कोई काम पास्ट में भी होता है, जैसे कि ही रॉट अ लेटर. उसने एक लेटर लिखा था. ठीक है, लिखा था एक लेटर, तो वो काम क्या हुआ, पास्ट में, मतलब उसने पहले लिखा था. नाउ और फ्यूचर में कैसे हो सकता है, ही विल राइट अ लेटर. वो लेटर लिखेगा. तो मतलब तीन तरीके से काम हो रहा है, या तो वो काम पास्ट में होगा, या काम वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, या वो काम फ्यूचर में होगा. ठीक है, तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस मीन्स टाइम ऑफ एक्शन, मतलब वो एक्शन किस टाइम पे हुआ वो क्या होते हैं, टेंस होते हैं. देयर आर थ्री टेंसेस, थ्री टाइप्स के टेंसेस होते हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. और हर एक टेंस के फोर टाइप्स, फोर फॉर्म होते हैं, दैट इज सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने टाइप्स हो गए टेंसेस के, 12. तो देखो हर एक सॉरी टेंस होते हैं थ्री टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, ये तीन तरह के टेंसेस होते हैं और हर एक टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं. जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट के भी फोर टाइप्स हैं, पास्ट है, पास्ट के भी फोर टाइप्स हैं, और फ्यूचर है, उसके भी फोर टाइप्स हैं. दैट इज सिंपल, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, तो हर एक टेंस के फोर टाइप्स होते हैं. तो इस टेंस के फोर हो गए, तो कितने फोर ये हो गए, फोर इसके होंगे 8 और फोर इसके होंगे 12. तो हमारे पास 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं.
अब आगे की क्लास में आपको इन टेंसेस के बारे में भी डीप में बताया जाएगा कि हर एक टेंस का क्या यूज़ होता है, ठीक है, कैसे वो किसी टाइम को डिनोट करते हैं. ओके, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अब वर्ब के फॉर्म देखिए. ऑल वर्ब्स फॉल इनटू सम टाइम फ्रेम. एवरी वर्ब हैज़ थ्री फॉर्म. हर वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, डेट इज़ फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है, और उन सभी के नेम भी हैं. फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सेंटेंसेस देखिए, जैसे कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट फॉर्म हो गया. नाउ शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया था, गाना गाया था, तो क्या हो गया, ये पास्ट फॉर्म हो गया. नाउ शी हैज संग अ सॉन्ग, वह उसने गाना गाया है, तो वो क्या हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया. अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो वर्ब है उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, सिंग्स हो गया, सैंग हो गया और संग हो गया, ठीक है, तो ये वर्ब के फॉर्म चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमें वर्ड्स की टेबल्स भी दी हैं कि कैसे वर्ड्स के फॉर्म चेंज होते हैं. तो ये आपको 1, 2, 3 टेबल्स दी हुई हैं. इसको आप सभी को पूरी टेबल्स को पढ़ना है, मैं एक एक दो दो एग्जांपल आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है. देखिए, ए है सम वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट फॉर्म्स बाय एडिंग ई जी डी और टी टू द प्रेजेंट फॉर्म. सम ऑफ दीज आर, कुछ वर्ब्स में हम ई डी डी या टी लगाकर उनका प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म बनाते हैं. जैसे कि फर्स्ट अलाउ है, अलाउ का हमने उसमें अलाउ में ई डी लगा दिया, तो अलाउड अलाउड. अलाउ का पास्ट फॉर्म होता है अलाउड और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है अलाउड. एग्री का एग्रीड एग्रीड. ब्रिंग का ब्रॉट ब्रॉट. क्राई का क्राइड क्राइड. ओके, तो ई डी लगा के या टी लगा के, जैसे कि टी का है ये बाय का बॉट बॉट. बर्न का बर्न बर्न, इसमें टी साइलेंट है पर टी लगता है. ड्राई का ड्राइड ड्राइड. ओके, नाउ सम वर्ब्स चेंज टू पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल्स. कुछ उसमें जो वॉवल्स होते हैं वो वॉवल्स चेंज होके भी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनते हैं. जैसे कि अराइज, अराइज का क्या होता है अरोज एंड अराइजन. बिकम का बिकेम बिकम. बाइट का बिट या बिटन. देन चूज का चोज चूजन. ड्रिंक का ड्रैंक ड्रंक. फ्लाइट का फॉट फॉट. फाइट का फॉट फॉट. ईट का एट एंड ईटन. ओके, तो इस तरीके से ये वर्ब्स के फॉर्म बनते हैं. नाउ सम वर्ब्स डू नॉट चेंज इन देयर फॉर्म इन पास्ट एंड पार्टिसिपल. और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो पास्ट और पार्टिसिपल में भी चेंज नहीं होते हैं. जैसे कि हिट का हिट हिट हिट, तीनों में हिट ही रहेगा. लेट लेट लेट. पुट पुट पुट. तो इन तीनों टेबल्स को आपको पढ़ना है और फिर आपको ये एक्सरसाइज में आपको फिल करके सेंड करूँगी, तो वो आपको अपनी बुक में फिल करना है. थैंक यू सो मच एवरीवन.